जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑनरेबल मेंबर्स। लेक्चर बायोलॉजी की प्रिपरेशन के सेशन में आप सबको खुश आमदीद। मैं बाबर जोया आप लोगों से इस वक्त मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आप सब इस वक्त पीपीएससी की लेक्चर बायोलॉजी के टेस्ट के लिए तैयारी की गर्ज से मौजूद हैं यहाँ पर। लास्ट टाइम हमने लेक्चर बॉटनी की प्रिपरेशन कराई थी, वो सेशन इख्तिताम को पहुँचा, बॉटनी का टेस्ट भी हो गया और खुशी की बात है कि मेंबर्स का रिस्पांस पॉजिटिव था कि उनका टेस्ट अच्छा हो गया। उसी में से काफ़ी सारे मेंबर अभी भी क्लास में मौजूद हैं जो लेक्चर बॉटनी का सेशन अटेंड कर सके हैं। मैं अभी चंद चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ वो ये हैं कि ये हमारा जो प्रिपरेशन का मोड होगा वो किस तरह से होगा। क्लास का मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं नोट्स के बारे में बताऊँगा, नोट्स भी हम शेयर करेंगे और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट होंगे किस तरह से होंगे वो भी मैं बताऊँगा। तो जी ऐसा है, क्लास डेली इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लीकेशन के ऊपर होगी। मैंने आज डे टाइम में मैसेज शेयर कर दिया था कि आप सब लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम एप्लीकेशन जो है वो अपने पास इंस्टॉल कर लें, सेटअप कर लें। उसका मैंने वीडियो भी शेयर कर दी थी, तरीक़ेकार बता दिया था। अगर आप अकाउंट नहीं भी क्रिएट करते तो भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बगैर साइन इन किए आप उस लिंक पर क्लिक किया करें जो हम क्लास का डेली शेयर करेंगे। वहाँ से आगे ज्वाइन एज अ गेस्ट कर सेलेक्ट करते हैं, अपना नेम लिखते हैं और क्लास में ज्वाइन हो जाते हैं। तो कुछ लोगों के पास समटाइम इशू आ जाता होगा लेकिन मेजॉरिटी के पास ऐसा कोई इशू नहीं आता। इसके अलावा क्लास जो डेली होगी वो रिकॉर्डेड होगी। रिकॉर्डेड से मुराद ये कि जो लोग अटेंड नहीं कर पाते उनके लिए अगले दिन क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर शेयर कर देंगे। बल्कि अभी आपको स्क्रीन पर हमारे यूट्यूब चैनल का नाम नज़र आ रहा होगा, इसका लिंक भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था। और क्लास के बाद भी दोबारा शेयर कर देंगे। तो हमारी आइंदा जितनी भी क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हों ताकि आप लोग अगर दोबारा सुनना चाहें वो भी सुन सकते हैं। जिन लोगों से क्लास मिस हो जाएगी वो भी इसी चैनल पर आकर क्लासेस जो हैं वो देख सकते हैं। अच्छा, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोग कह रहे हैं जी आवाज़ नहीं आ रही, तो अगर ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के पास इशू आ रहा है तो वो यूं करें, अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम एप्लीकेशन में जो स्पीकर का आइकॉन है उसको प्रेस करें और लाउड स्पीकर ऑन कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लाउड स्पीकर ऑन नहीं होता। तो आप में से जो मेंबर फ्री हैं वो ग्रुप में उनको गाइड कर दें, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, उनको ये गाइड कर दें कि जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर स्पीकर का आइकॉन नज़र आ रहा है नीचे, वहाँ पर क्लिक करके लाउड स्पीकर ऑन कर लें। जिनको आवाज़ स्लो आ रही है लाउड स्पीकर ऑन नहीं होगा। ओके, तो ये इस यूट्यूब चैनल पर तो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी जो बाद में आपको दी जाएंगी। उसके बाद वेबसाइट का लिंक आपको शेयर कर देंगे क्लास के बाद। अभी ये जो आपको नज़र आ रही है इल्म खुदा के नाम से, पहले हमारी एक वेबसाइट मौजूद है दी रॉयल बोटैनिक्स के नाम से, बस उसमें कुछ चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो आप लोगों को कोई इश्यूज ना हो उस प्रिपरेशन के दौरान, तो एज अ बैकअप प्लान जो है ना वो हम अपनी इस दूसरी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा इस वेबसाइट पर देखें, कुछ चीज़ें मैं आपको इस वेबसाइट के हवाले से बताने जा रहा हूँ, चंद चीज़ें जो है ना वो याद रखने वाली हैं, सिर्फ 3 चीज़ें वो आप याद रख लें
आपको कभी किसी दूसरे से लिंक मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो इस वेबसाइट का लिंक ilmkada ilmkada.com ये याद रख लें, अपने पास नोट कर लीजिएगा, अभी क्लास के बाद आपको लिंक भी सेंड कर देंगे। ये वेबसाइट का आपको नाम याद है, आपने तीन लफ्ज इसके अलावा याद रखने हैं, PPSC, नोट्स, NOTES और टेस्ट, ये तीन चीज़ें। इन तीन अल्फाज में आपको सारा मटेरियल, सारे टेस्ट, सारे लेक्चर, सारा कुछ मिल जाएगा। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो नोट्स किधर हैं, डिलीट हो गए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, क्योंकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देंगे। अब जिससे व्हाट्सएप से डिलीट हो जाते हैं तो वो यहाँ वेबसाइट पर हर वक्त मौजूद होंगे। तो वेबसाइट के नाम के आगे स्लैश लगा के PPSC लिखेंगे, जो कि आपको लिंक शेयर कर देंगे। तो वहाँ पर आपको ये तीन ऑप्शन नज़र आएंगे, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो अभी ये फंक्शनल नहीं है, जैसे जैसे हमारी क्लासेस रिकॉर्ड होती जाएंगी वो चीज़ें यहाँ पर आती जाएंगी। नोट्स भी मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पर एक LG के सर जैगम के नोट्स मैंने शामिल किए हुए हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी जो है आपको सारे इधर मिल जाएंगे। आज ही क्लास के बाद जो प्रीवियस टेस्ट थे हमारे बॉटनी की प्रिपरेशन वाले, वो अवेलेबल होंगे। फर्दर जो लेक्चर बायोलॉजी की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके जो टेस्ट होंगे वो भी बाद में अवेलेबल होंगे, जैसे जैसे टेस्ट होते जाएंगे। तो ये पहला पेज है जहां पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपके पास टाइम चार्ट है, नीचे आप जिस भी बटन पर क्लिक करेंगे वीडियो लेक्चर्स के नीचे मौजूद है टेक मी टू वीडियो लेक्चर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक बेसिकली आपको YouTube वाले लेक्चर्स की तरफ लेकर जाएगा, हमारी इस क्लास की तरफ नहीं जो हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं। उसके बाद नोट्स हैं, हर क्लास में जो नोट्स फॉलो किए जाएंगे वो नोट्स भी इसी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होंगे, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट हैं, वो भी इधर मौजूद होंगे इसी लिंक के ऊपर, वो भी आपको मिल जाएंगे। मैं आपको एज अ ट्रायल, एज अ प्रैक्टिस एक टेस्ट के कुछ क्वेश्चन रैंडमली आपको अटैम्प्ट करके देता हूँ। ये उन न्यू मेंबर्स के लिए है जो पहली दफ़ा हमारी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जो पहले अटेंड कर चुके हैं उनको पता है बॉटनी का सेशन जो मैंने अटेंड किया था। तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं वेबसाइट के नाम के आगे लिखा हुआ ilmkada.com / लगाता हूँ और मैं लिख देता हूँ टेस्ट। जैसे ही मैं टेस्ट लिखकर इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये सारे टेस्ट आ जाएंगे। अब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये पहला एनर्जी मेटाबॉलिज्म का टेस्ट अवेलेबल है, बाकी खाली हैं, ये क्लास के बाद अवेलेबल हो जाएंगे। आप ये हमारे लेक्चर बॉटनी के सेशन वाले हैं, तो आप जिस भी टेस्ट पर क्लिक करेंगे वो टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो हर टेस्ट का टाइम दिया गया होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इसमें चीज समझने वाली है, ये कलर कोडिंग दी गई है, हर कलर कोड के साथ लिखा गया है कि ये मौजूदा क्वेश्चन है जो सिलेक्ट हुआ पड़ा है, जिसको आपने स्किप करेंगे, जो करेक्ट आंसर देंगे, इनकरेक्ट आंसर देंगे, वो सारे कलर कोडिंग के साथ जाहिर होते जाएंगे। आपको पता चलता जाएगा कौन से क्वेश्चन के आंसर आपने सही दिए हैं, कौन से गलत दिए हैं, और आंसर भी आपको वहीं पर फौरन ही पता चल जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिपिड सॉल्युबल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, अब इसमें से अगर आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो आपको वहीं पर बता देगा, इनकरेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो भी आपको बता देगा। जैसे मैं कोएंजाइम क्यू सेलेक्ट करता हूं और नेक्स्ट में चेक पर क्लिक करता हूं तो नीचे लिखा हुआ आ गया करेक्ट और ये हाईलाइट हो गया, ये दुरुस्त ऑप्शन था। फिर नेक्स्ट करेंगे आप, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर KM वैल्यू एंड इज फाउंड इन लीवर सेल, अब ये भी करेक्ट हो गया, सॉरी इनकरेक्ट, ग्लूकोकाइनेज इसका करेक्ट है। तो अब यहाँ पर देखें दो डिफरेंट कलर कोडिंग, मैंने हेक्सोकाइनेज
चूज़ किया, उसने इसको रेड में शो कर दिया, और ये ग्लूकोकाइनेज जो कि दुरुस्त ऑप्शन था उसने ग्रीन में शो कर दिया कि ये करेक्ट आंसर है, आपने जो चूज़ किया वो गलत है। तो इस तरह से आगे सारा टेस्ट होगा और आपको एट द एंड जो है वो आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो ये थे हमारे ऑनलाइन टेस्ट जो होंगे। उसके बाद ilmkada.com/notes NOTES ये टाइप करके जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको नोट्स का सेक्शन आपके पास ओपन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैंने एज अ सैम्पल सिर्फ LG के नोट्स ऐड किए हुए हैं, आप लोगों को आइडिया हो सके कि किस तरह से आप यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जो आपके रेलिवेंट नोट्स आप ढूंढना चाह रहे हैं जिस क्लास के, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो नोट्स आपके पास इस फॉर्म में ओपन हो जाएंगे। आप ऑनलाइन रीड करना चाहें, कुछ लोगों के पास इशू होता है कि मोबाइल में स्पेस नहीं होती, वो डाउनलोड नहीं करना चाह रहे होते, तो उन लोगों की सहूलत के लिए हमने इस फॉर्म में रखे हुए हैं, आप ऑनलाइन रीड कर सकते हैं। तो ये LG के नोट्स हैं सर जैगम के, बहुत हेल्पफुल हैं। अभी एट द एंड ऑफ सेशन हम लोगों से रिव्यू भी लेंगे जिन्होंने हमारा बॉटनी का सेशन अटेंड किया, कि उनको आया कि हमारे नोट्स से हमारी क्लासेस पैदा भी हुआ या नहीं। तो ये इस तरह से आप नोट्स रीड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पास डाउनलोड कर लें तो आपके पास नीचे डाउनलोड का बटन मौजूद होगा, आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको ये डाउनलोड पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर ये डाउनलोड का बटन मौजूद है, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये थी कुछ टेक्निकल सी चीज़ जो आपको बतानी थी। जो नए आने वाले मेंबर हैं उनको समझाने थी कि इस तरह से हमारी ये प्रिपरेशन का मोड होगा। बाकी कुछ लोगों के क्वेश्चन थे क्लास में पहले के जी स्केड्यूल शेयर कर दें, तो जी स्केड्यूल ऐसे है कि हम सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स को कवर करने वाले हैं, तो आगे हमारी जो फर्दर सारी क्लासेज होंगी वो इन्वर्टिब्रेट्स पर होंगी। तो पहला स्केड्यूल तो यही हो गया। कल मौज़म अली साहब जूलॉजी की, वो आपको फाइलम स्टार्ट कराएंगे इन्वर्टिब्रेट्स के, अभी मौजूद हैं क्लास में, थोड़ी देर में मैं उनके हैंड ओवर करता हूँ क्लास, वो गाइड करेंगे अपना प्लान। तो देन जैगम साहब मौजूद हैं, वो आपको गाइड करेंगे प्रिपरेशन के हवाले से, हमारे बहुत ही सीनियर, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही डेडिकेटेड सर हैं। आप में से काफ़ी लोग, बल्कि जो पहली दफ़ा सेशन ले रहे हैं वो भी जैगम अब्बास आपको जानते होंगे आई हो। तो ये था टोटल हमारा टेक्निकल पोर्शन हमारी प्रिपरेशन का। इस हवाले से जिसको भी कोई इशू आए वो क्लास के बाद हमसे पूछ सकता है, उनको हम बता देंगे जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे। तो नेक्स्ट मैं जैगम साहब के हैंड ओवर करता हूँ, वो आपको कुछ गाइड करना चाहें वो कर देंगे। जैगम साहब, मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया है, आप अनम्यूट करके। जी सर जी, वो आवाज आ रही मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, ये मतलब है ना, आप लोगों को ये इस वाले से मैं बताना चाह रहा था कि इससे पहले 2018 में भी हमने तैयारी की, ठीक है, जब हम खुद सेलेक्ट हुए 2017 में, उसके बाद जिस तरह जो उसके बाद जो सेशन था 2020 का उनको हमने पढ़ाया, ठीक है, उनमें भी काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए। इस बार जो है ख़ास तौर पे तैयारी करवाई, तो वो मैं एक चीज़ जो बड़ा फ़र्क देख रहा हूँ ना, उससे पहले मतलब है, उससे पहले भी हमारे ग्रुप्स होते थे, हम पढ़ते थे ग्रुप्स में, लेकिन बाकायदा तौर पर इससे प्लान से तैयारी करवाना वो यकीन जानिए कहीं पर भी नहीं हो रहा। मतलब बहुत सारे हमारे और भी दोस्त हैं लाहौर वाली साइड पे भी, वो तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका तरीका कार यही होता है कि जस्ट टेस्ट ले लिया, ठीक है, वो खुद डरते हैं कि सामने
एमएससी के स्टूडेंट हैं, हम उनसे उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग खुद बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर जो आप लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको एक पोर्शन फर्ज किया एलजी है, वो कोई और टीचर पढ़ा रहा है, फंजाई कोई और पढ़ा रहा है, फिजियोलॉजी कोई और पढ़ा रहा है, यहाँ पर आपको जो तैयारी करवाई जाती है कि पूरी की पूरी बॉटनी जो है या पूरी की पूरी जूलॉजी जो है वो एक या दो बंदे करवा रहे होते हैं, तो और बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे होते हैं और बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए प्लान होता है। तो इसको एक तो ये है कि इसको गनीमत जानिए, और ये सारा प्लान जिस तरीके से इन्होंने बाबर साहब ने अरेंज किया, तो ये बहुत ज़्यादा इस हिसाब से ना मैं कहूँगा कि टेक्निकल इंसान है। इस बार इन्होंने जो ख़ास तौर पर जिसे कहते हैं कि मज़ीद इम्प्रूवमेंट की है, वो मौजम साहब का बताया कि वो आपको जूलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं तो सच्ची बात है उनको इतना कोई नहीं जानता, लेकिन ये जैसे बताते हैं कि बाबर साहब के वो इंतहा का जिसे कहते हैं कि अपने सब्जेक्ट में महारत रखते हैं। एक और दोस्त है रशीद साहब हैं, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने बताया कि इस बार वो भी इंशाल्लाह जूलॉजी का पोर्शन कवर करेंगे, तो वो भी मतलब मैंने उनके कुछ टेक्स्ट मैसेज पढ़े हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में, उनका नॉलेज इंतहा का जिसे कहते हैं कमाल का है, मतलब बहुत अच्छा जिसे कहते हैं कि वो हमसे कहीं ज़्यादा शौक रखते हैं। अगर मौजम साहब भी वाकई राशिद रशीद के लेवल का नॉलेज रखते हैं, तो फिर तो मैं ये कहूँगा कि सच्ची बात है हमें जूलॉजी पोर्शन पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। एक और दोस्त है, अगर मैं इनसे कहूँगा कि अगर उनसे टाइम ले लें अख्तर शाह से, ठीक है, तो जूलॉजी वो भी बहुत जिसे कहते हैं ना कि माशाल्लाह से अच्छी जानते हैं। बहरहाल जो दो चार लोग हैं मजीद मतलब है ये बाबर साहब की उनसे बहुत अच्छी जिसे कहते हैं कि हेलो आए है, तो उम्मीद है कि वो तैयारी करवाएंगे। मेरे जिम्मे कह रहे थे कि आप कुछ पोर्शन पढ़ाइएगा, पहले मैं देखूंगा, अगर मौजम और राशिद रशीद बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो फिर मुझे मेरे ख्याल पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर मैं समझता हूँ कि हाँ अगर कोई पोर्शन जो है अगर वो मेरे जिम्मे लगाएंगे तो इंशाल्लाह पढ़ा देंगे, मसला वो कोई भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि कहना चाह रहा था कि ये कह रहे थे कुछ गाइड कर दे कि तैयारी कैसे करनी है, यहाँ पर देख ले कि हम खुद भी दुआ कर रहे होते थे कि अल्लाह करे बायोलॉजी का पेपर जो है वो बॉटनी के बाद में आए, मतलब एक बार हम अपनी बॉटनी अच्छे से कवर कर लें। तो जिन्होंने बॉटनी का पेपर दिया है तो लाजमी तौर पर उन्होंने बॉटनी पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, तैयारी करके, तो बॉटनी तो उनकी तैयार है। इस वक्त उन्होंने जो फोकस करना है वो जूलॉजी वाले पोर्शन पर करना है। लेकिन एक चीज़ फिर बता दूँ कि बायोलॉजी के टेस्ट में मुझे खुद भी कई बार खौफ होता था कि यार क्या पता मैं शॉर्टलिस्ट ना हो, बॉटनी का तो मुझे कंफर्म होता था कि यार कुछ भी हो जाए मतलब पंजाब में इतने ज़्यादा लोग पढ़ने वाले नहीं होंगे कि शायद मैं कि शॉर्टलिस्ट ही ना हूँ, ठीक है। बॉटनी का तो मुझे 100% श्योर होता था कि मैं लाजमी शॉर्टलिस्ट होऊंगा, लेकिन जब बात आती थी बायोलॉजी की, तो ये मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, बायोलॉजी में ना मैं खुद भी खौफजदा होता था कि यार जूलॉजी का क्वेश्चन क्या पता किस लेवल का वो पूछ लें, और हमें हमेशा पेपर में भी ये शिकवा होता था, हम कहते थे कि बॉटनी का क्वेश्चन कम है और जूलॉजी का पोर्शन ज़्यादा है, जूलॉजी वालों को हमसे शिकवा यही होता था, वो कहते हैं कि नहीं बॉटनी का पोर्शन ज़्यादा है और जूलॉजी का पोर्शन जो है वो कम है, मतलब मेन मसला ये होता था कि जूलॉजी के लाजमी तौर पर कुछ क्वेश्चन टफ होते थे, हमें नहीं आते थे, जिसकी वजह से हम ये समझते थे कि जूलॉजी का पोर्शन क्या है वो ज़्यादा है। तो बहरहाल इसको हम कैसे किस तरीके से कवर कर सकते हैं, देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आप लोग एक बार एग्जाम से गुजर चुके हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा कि इतना सारा नॉलेज माइंड में रख के पेपर में जाना इंतहाई मुश्किल काम है। इससे पहले हम बीएससी एमएससी की हम सब ने की है, ठीक है, एक दिन हम फिजियोलॉजी का पेपर देते थे, एक दिन इकोलॉजी का, ऐसा कभी नहीं होता था कि हाँ जी पूरी की पूरी बॉटनी का जो आज आपका टेस्ट है, ठीक है। अब तो आपके लिए एग्जाम इस हिसाब से थोड़ा डबल हो गया कि आपकी बॉटनी का भी टेस्ट है एक ही दिन में और जूलॉजी का भी टेस्ट है, तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम भी ये चाहते थे कि हमारे पास नॉलेज बहुत सारा आ जाए, ठीक है। लेकिन फिर आप लोगों ने देख लिया होगा यहाँ पर पेपर में कि आप लोगों के का वहाँ पर नॉलेज का टेस्ट कुछ कम है, लेकिन इस चीज़ का टेस्ट है कि आपकी गलतियाँ जो वो कम से कम करनी होती, कोशिश करें कि आप गलतियाँ वो, अब तो गलती की गुंजाइश ही बहुत कम होती है, एक गलती हो जाए दो हो जाए लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। इसमें एक चीज़ जो जूलॉजी की तैयारी आप करें, ठीक है, जो बॉटनी के लोग हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जूलॉजी में आप ये कर लें कि सबसे पहले जो एफएससी लेवल में जितनी भी जूलॉजी है, ठीक है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। मुझे खुद भी जो इशू होता था वो इनवर्टिब्रेट से होता था, मैं ये सोचता था कि ये मैं बीएससी लेवल पे किस तरीके से इन्वर्टिब्रेट्स को तैयार करूँ, तो हम अपने तौर पे ये करते थे कि जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10 था उसको हम अच्छे से तैयार कर लेते थे, कोई भी एमसीक्यूज ऐसा ना हो जो वहाँ से पूछा जाए और हमें ना आता हो, ठीक है, एक तो हमारी कोशिश ये होती थी। उसके बाद जो बात आ जाती पेपर जूलॉजी में, पेपर ए है, पेपर सी है, उसमें तो आप ये देख लें कि जहाँ हम सिस्टम की बात करते हैं
जो 8-10 सिस्टम हैं हम जूलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, ह्यूमन के, तो वो तो आपको अच्छे से अच्छे लेवल पे आने चाहिए, ठीक है। मतलब आप, मैंने तो ये है कि मैं सेक्सर सिस्टम गर्टन से पढ़ रखे थे, लेकिन अगर आपने गर्टन से नहीं भी पढ़ रखे तो आपको उनकी हाउ नाउ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम एक ऐसी चीज़ है, उनमें मैकेनिज्म होता है, एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो दोबारा आपको के लिए मसला नहीं होता उनको पढ़ने के लिए। इस तरीके से जो पेपर सी हो जाता है उसमें भी जो जेनेटिक्स का पोर्शन है या इकोलॉजी का पोर्शन है, ठीक है, वो भी आप कोशिश करें अच्छे लेवल पे करें, जो आपको मसला करेंगे इनवर्टिब्रेट्स कर सकते हैं तो उसको आप अगर हाई लेवल पे नहीं भी कर सकते बॉटनी वाले लोग, तो कोशिश करें उसको आप कम से कम जिसे कहते हैं कि FSC लेवल पे लाजमी करें। अब इस तरीके से जो जूलॉजी वाले लोग हैं, ठीक है, जो जूलॉजी का पेपर ऑलरेडी दे चुके होंगे, उनके लिए जो बॉटनी का पोर्शन है वो इंतहाई वो टफ माना जाता है, ठीक है। जो चीज़ें हमें सिंपल लगती हैं उनको वो इंतहाई टफ लगती है, तो उनको भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप क्रिप्टोग्राम बेशक ना करें, ठीक है। क्रिप्टोग्राम चलो आप कुछ ना कुछ हद तक छोड़ दें, ठीक है, लेकिन आप कम से कम ये करें कि बॉटनी के अंदर आप जो फिजियोलॉजी है, इकोलॉजी है, वो आप लाजमी तौर पर अच्छे से कर लें, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन आप लोग का भी सामना होता है FSC लेवल पे पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ें आप अच्छे से कवर करें, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक्स भी करें, बायोकेमिस्ट्री की जहाँ बात आती है वो बॉटनी और जूलॉजी के स्टूडेंट दोनों को कम से कम सत्यनारायण लेवल पे आनी चाहिए। और इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ जो कॉलेजेस में भी लोग BS कर रहे हैं वो भी सत्यनारायण लाजमी पढ़ते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री आप दोनों स्टूडेंट्स की ना अच्छे से तैयार होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जूलॉजी वालों के लिए बॉटनी का प्रश्न। अब मैं ये नहीं कह सकते कि आप क्रिप्टोग्राम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर छोड़ दें, लाजमी तौर पर क्वेश्चन आते हैं, जाहिर बात है LG से कुछ आते हैं, फंजाई से आते हैं, ब्रायोफाइट से आते हैं, ट्रीटोफाइट से, तो फिर हम यही सेम स्ट्रेटजी आप फॉलो कर लेंगे, कम से कम जो फर्स्ट ईयर की बुक में जितनी भी बॉटनी दी हुई है प्योर बॉटनी वो आप कोशिश करें अच्छे से तैयार कर लें, जो फैमिलीज दी हुई हैं फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में वो आप कोशिश करें अच्छे से कर लें। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से आती होगी तो फिर उम्मीद है कि आप शॉर्ट लिस्ट है वो हो सकते हैं। फिर ये कहूँगा आखिर में आखिरी बात कि जूलॉजी, ये जो बायोलॉजी का टेस्ट है इसमें आपका इम्तिहान थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है, ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स के लिए, कि यहाँ पर दोनों के टॉपर होते हैं, बॉटनी के भी टॉपर होते हैं, जूलॉजी के भी टॉपर होते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रगल आपको थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर तरीके से करनी पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जूलॉजी ज़्यादा बेहतर होती है, मतलब बॉटनी के स्टूडेंट, उनके लिए कवर करना आसान होता है, लेकिन वो स्टूडेंट जो बिल्कुल प्योर बॉटनी की तरफ रहते हैं, तो मैं खुद ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, तो वो फिर ऐसे करते हैं कि बायोलॉजी लेवल की तैयारी भी नहीं करते थे, अपीयर भी नहीं होते थे। तो खैर आप लोगों से यही कहूँगा कि आप कोशिश करें, मेहनत करें, जूलॉजी का पोर्शन कवर करें, ये जो लोग आपको करवा रहे हैं, ठीक है, राशिद रशीद का जो है उनसे भी इतनी हलवाई तो नहीं है, लेकिन उनके जो मैंने मैसेज पढ़े, उनकी चैट पढ़ी, तो पता लगा कि उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है राशिद रशीद, और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। इसी के लिए मौजम है उनकी बाबर जब भी बैठता है कहते हैं, इतनी तारीफ करता है, कहते हैं यार जूलॉजी जितनी अच्छी मौजम साहब को आती है शायद ही किसी को आती हो, तो चलिए देख लेंगे उनके लेक्चर में, हमें भी कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ और दोस्त भी हैं जिस तरीके से अख्तर शाह साहब हैं, ठीक है, एक और है राशिद फारूक साहब हैं, तो बाबर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों को भी अगर ये शामिल करें तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना जूलॉजी की तैयारी हो सकती है। जी बाबर साहब, मैं यही बातें कहना चाह रहा था। आखिरी में सिर्फ एक पॉइंट कहूँगा, मजीद आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, कि जब भी आप लोग पेपर में अपीयर होते हैं उसके बाद मुझे यही कहने को सुनने को मिलता है कि आपने कहा था कि गलत तुक्के नहीं लगाने, तो हमने क्या किया जी, हम 60 MCQs अटेम्प्ट करके आ गए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ना ये बातें मुझे खुद नहीं समझ आती कि आप लोग सिर्फ 60 MCQs अटेम्प्ट करके जो करके आए हैं कैसे करके आए हैं, ठीक है, 60 या 65, आप लोगों ने अपना स्कोर जो है वो लाजमी तौर पे सिक्योर करना होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ हद तक रिस्क आपको लेना पड़ता है, कम से कम कोशिश क्या करें पेपर अगर आसान है तो 70 to 80 MCQs, 75 to 80 आपको अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरिट का कोई पता नहीं 60 तक जाए 65 तक जाए, ठीक है। बहरहाल ये जब पेपर होगा तो इस पर मजीद बात करेंगे, फिलहाल मैंने इतना कुछ ही कहना था। जी बाबर साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। तो सर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा अख्तर शाह साहब के हवाले से, उनको भी हम ज़रूर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी हमें टाइम दें। इसके अलावा राशिद फरूख साहब को भी जानता हूँ मैं, ज़्यादा तो नहीं जानता अलबत्ता आप जानते हैं, आप भी उनसे रिक्वेस्ट करें वो भी हमें टाइम दें, ताकि ये जो हमने सेशन स्टार्ट किया है ये अच्छे से और हमारे पास जो अपने सब्जेक्ट के
डायमंड मौजूद हैं वो हमें अपना कीमती वक्त दें। तो अभी मौज़म साहब मौजूद हैं जो कि कल से हमें इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ाने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें कुछ गाइड कर दें जी, कल हमने कहाँ से स्टार्ट करने हैं। मौज़म साहब जी। सर अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर आवाज़ आ रही है जी? आ रही है। वालेकुम अस्सलाम जी सर, आ रही है आवाज़ जी। जी सर, सर बाबर साहब ने पहले तो बात है कि इस काबिल नहीं है कि जितनी तारीफ उन्होंने हमारी कर दी ग्रुप के अंदर। मैं देखता रहता हूँ बहुत से हमारे मेंबर्स जो हैं वो हमसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहरहाल सर ने हमारे जुम्मे एक काम लगाया है, कोशिश करेंगे कि जितने जोगे हुए उसको बासन तरीके से सर अंजाम दे सकें। तो ये वाला जो सेटअप था लास्ट ईयर, कुछ ना कुछ इसमें कंट्राडिक्शंस भी आई। बहरहाल इस बात के लिए मैं सर को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने उन स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन जो है वो स्टार्ट किया जो कि कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे कुछ ज्यादा चीज़ों को, और साथ ही साथ सर ने अपनी तरफ से वो बेहतरीन वाक्य फ्राहम किए जो शायद किसी और फोरम पे इतने बेहतर मुयस्सर भी ना आए। तो जहाँ तक बात जूलॉजी की है तो हम जो है जो हमारे सबका एग्जाम्स हैं उसके अंदर जो मेजर चीज हमने देखी है कि जो क्लासिफिकेशन है और जो इन्वर्टिब्रेट जो के एक जो नॉन टेक्निकल हमारे पास जो बॉडनी से बंदे आते हैं ज्यादातर उनको ये हांट करती है, उनको डराती है। तो एग्जाम्स के अंदर अभी तक मैंने यही देखा है कि ये बहुत ज्यादा इसका पोर्शन जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता जो क्लासिकल हमारे पास जूलॉजी है या सिस्टमेटिक्स है। बहरहाल हम अपनी तरफ से उसको इस हद तक कवर जरूर करेंगे कि एटलीस्ट हम एग्जाम्स के अंदर अटेम्प्ट कर सकें। और ये भी कहना चाहूंगा कि ये चीजें कोशिश करूंगा कि कुछ मॉडर्न पैरामीटर्स के अंदर कवर करूं जो क्लासिकल क्लासिफिकेशन है जो कि रूल आउट हो चुकी है, हम दोबारा उसकी तरफ नहीं जाएंगे। हम जो हमारे पास मॉडर्न कुछ सेटअप है जो मॉडिफाइड हमारे पास क्लासिफिकेशन अवेलेबल हैं हम उनकी तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह कल को हम प्रोटिस्टा से ही बात शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे पास एनिमल क्लासिफिकेशन उसकी कुछ हिस्ट्री का भी हो जाएगा। जी जी सर, जैगम साहब कुछ बोलने लगे थे। नहीं नहीं, वो हंसने लगा था, बस बोलने लगा था। नहीं नहीं सर हंसने और उसके बाद जो हमारे पास हमने जो हमारे पास पेपर गुजरा है इसका बॉटनी का, हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास एक सब्जेक्ट का पेपर है उसके अंदर दूसरे सब्जेक्ट्स का भी कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो इंक्लूड किया जा रहा है। तो बायोजियोग्राफी जो है उसको काफी ज्यादा वेटेज दी गई थी, फिशरीज को जूलॉजी के पेपर में काफी ज्यादा टच दिया गया था, तो उन चीजों को भी हम मद्देनजर रखेंगे अपनी आइंदा प्रिपरेशन के अंदर। इसके अलावा हमारे पास जो मेजर पोर्शंस जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर जो है, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इग्नोरिंग फैक्टर हमारी तैयारी के अंदर है वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसके ऊपर हमारी ग्रिप जो है हमारी भी वो इतनी बेहतर नहीं है जितना पोर्शन अब वो मॉडर्न पेपर्स के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए भी जहनी तौर पर अपने आप को तैयार रखें कि जो हमारे पास कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं उनसे हटके जो है वो पेपर बन सकता है। और एक और चीज जो जूलॉजी और बॉटनी के पेपर के अंदर मैंने देखी वो ये थी कि जो लोग इन सब्जेक्ट्स को अपने लोकल फाना और फ्लोरा को एक्सप्लोर उनको एक्सप्लोर करने के हिसाब से देखते हैं, उनको साथ साथ स्टडी करते हैं, उनके लिए ये पेपर कदरे आसान थे। जो लोग सिर्फ टेक्सचुअल मटेरियल की तरफ रहते हैं उनके लिए ये पेपर काफी टफ हो सकते हैं। तो इंटरेस्ट बेस्ड अपनी लोकल जो हमारे पास वो चाहे पेलियंटोलॉजी है चाहे हमारे पास फ्लोरा है चाहे फाना है, उन चीजों को भी मद्देनजर रखिएगा कि हमारे पास अपने मुल्क के अंदर कौन कौन सी ये वाली चीजें अवेलेबल हैं। तो जी सर बाबर, आप मजीद कुछ कहना चाहें? बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। तो यहाँ पर एक नुक्ता आपने उठाया बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, तो ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की।
بائیو انفارمیٹکس کا پورشن بھی اب آنا شروع ہو گیا ہے, اور بائیو انفارمیٹکس وہ سبجیکٹ ہے جس میں صرف میجارٹی آف اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ان ٹچ نہیں ہوتے. تو لاسٹ ٹائم پریپریشن سے کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی بائیو انفارمیٹکس کی, تو مقصود صاحب نے جو ہے نا وہ میرے ذمے لگا دی تھی. تو میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ بائیو انفارمیٹکس کا پورشن ان شاء اللہ میں کور کرا دوں گا. کوشش کروں گا اپنی طرف سے کہ آسان طریقے سے آسان بھاشا میں سمجھ آ جائے سب کو. تو آفاق صاحب موجود ہیں, یہ بھی ہمیں پڑھائیں گے. میں اب آفاق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کائنڈلی قیمتی وقت دیں کچھ. آفاق صاحب السلام علیکم, آواز آ رہی ہے سر آپ؟ جی جی سر آواز آ رہی ہے. صاحب آپ کا بہت شکریہ سر, جو کمبائن ایفرٹ آپ کر رہے ہیں ہم دوستوں کو سب کو ملا کر, اس کے لیے آپ کا جتنا ہم سب شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. سب دوستوں کی دعائیں آپ کے لیے اسپیشلی, اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں دے. اور باقی سر یہ ہے کہ یہ کمبائن ایفرٹ ہماری ہے ہم دوستوں کی, جو جتنی اس نیکی کے کام میں جتنا اپنی کنٹریبیوشن دے سکتا ہے وہ ہر پرسن کوشش کرتا ہے کہ وہ اس میں ایکولی پارٹیسپیٹ کرے. اور یہ بڑی اچھی سر سوچ ہے کہ وہ یعنی پازیٹیوٹی کو لے کر وہ چل رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا بینیفٹ جو ہے یہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے. باقی سر سبجیکٹ کے حوالے سے سیغم صاحب میرے ساتھ رہے ہیں, کولیگ میرے رہے ہیں, یہاں پہ سینئر بھی ہیں میرے, اور جو ایف ایس سی ہے کی بکس ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, اس میں میں دونوں پارٹ ون پارٹ ٹو جو ہماری پی ٹی بی کی بکس ہیں وہ پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور اس کے ساتھ فیڈرل بورڈ بھی جو ہے وہ تو میں دونوں کو ہی پڑھاتا ہوں. یعنی ہمارے پاس میں سگودا سے بلانگ کرتا ہوں, تو یہ سرگودا بورڈ اور فیڈرل بورڈ دونوں ہی وہ پڑھایا جاتا ہے. تو ان دونوں ایف کیو پہ ہمارے اس بایولوجی کے پیپر کے اندر زیادہ پورشن ہماری بیسک جو سبجیکٹ کی چیزیں ہیں ان میں سے اب وہ آیا ہوا تھا. ابھی باٹنی کا بھی جو ٹیسٹ ہوا ہے اس میں بھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ہماری بیسک باٹنی کی چیزیں ہیں وہ اس پیپر کے اندر جو ہیں وہ موجود تھی. یعنی جن لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر تھے اس حوالے سے تو وہ ان کے لیے تو وہ پیپر بڑا آسان رہا ہوا تھا. ہوپ سو ان شاء اللہ کرے کہ ہمارا جو بایولوجی کا بھی پیپر ہے وہ اس طرح سے ہو کے اس میں ہم جو بیسک چیزیں ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اور اسے اچھے طریقے سے اٹیمپٹ جو ہے وہ کر سکیں. باقی نالج جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے, ہر ایک کے پاس وہ اپنی تھوڑی تھوڑی کنٹریبیوشن یا جو بھی اس کے پاس وہ ہے وہ اس کو شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس سے بہت سارے لوگوں کا بینیفٹ ہو جائے گا. میری خود اپنی یہی سوچ ہوتی ہے کہ سر سیکھیں, تو آپ سے بابر صاحب سے بڑا کچھ سیکھا ہے. جو ہمارے باقی دوست ہیں زیغم صاحب ہیں, معظم صاحب ہیں, جتنے بھی اور بھی ہمارے جتنے بھی وہ گروپس چل رہے ہیں اس میں ہم ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو لرننگ پروسیس ہے سر اس میں. میں نہیں سمجھتا کوئی سینئر یا جونیئر ہوتا ہے, بس یہ ہے کہ بھائی کسی نے اس چیز کو نالج زیادہ انڈرسٹینڈ کر لیا اس کو تو وہ اس کے بہتر کانسیپٹس جو ہیں یہ ہوں. باقی سر میوچل شیئرنگ ہے انشاءاللہ, میں اپنی پوری کوشش کروں گا اپنی ایمانداری سے جتنا نالج جو میرے پاس موجود ہے وہ میں ہم سب اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں. تھینک یو سو مچ سر. بس میں بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. تو جی آئی ہوپ جو نیو ممبر ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب کس طرح سے آگے ہم یہ تیاری اسٹارٹ کرانے والے ہیں. اب میں آؤں گا آپ لوگوں کی طرف. یہ جو ہمارے آنریبل ممبرس جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, اور میں اسپیشلی پہلے ان سے مخاطب ہوں جنہوں نے ہمارا باٹنی کا سیشن جوائن کیا تھا اور ابھی ادھر بھی موجود ہیں. کائنڈلی وہ اپنے آنیسٹ اوپینین اور سجیشن دے دیں, جو گیپس رہے اس کے بارے میں بھی بتا دیں, اور اپنا آنیسٹ اوپینین دے دیں کہ ہم اس کو مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کے مائک الاؤ کر رہا ہوں,
तो बारी बारी जो है जो बोलना चाहें वो काइंडली अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दे दें कि हम इसमें किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं और आपको कोई फायदा भी हुआ या नहीं। जी मैंने आप लोगों के माइक अलाउ कर दिए हैं, तो वो मेंबर जो पहले हमारे पास मौजूद थे। जी मैं पूछ लूं आपसे? जी सर, सर टैगअप सब बोल रहे हैं। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा था कि जिस तरीके से आपने बॉटनी में भी कुछ ना कुछ पोर्शन पढ़ाया, तो इस बार जूलॉजी में भी आप कोई ना कोई पोर्शन कवर करवाएंगे? और दूसरा क्वेश्चन ये पूछना था आपसे कि क्या जूलॉजी का पेपर हो चुका है? अगर जूलॉजी का पेपर हो चुका है तो फिर देखें यहाँ पर जूलॉजी के भी स्टूडेंट होंगे, तो क्या उनको आप बॉटनी का पोर्शन पढ़ाएंगे या सिर्फ मेजर जो तवज्जो है वो इसी पे होगी, जूलॉजी पे होगी? ठीक सर मैं बता देता हूँ। देखें सर, मुझसे पूछा पहला सवाल आपने, जी मैंने जैसे बॉटनी का कुछ पोर्शन पढ़ाया था तो जूलॉजी का, तो जी मैं एक तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स और दूसरा जूलॉजी में से ह्यूमन फिजियोलॉजी मैं अपने तरफ से कवर करा दूंगा जो टॉपिक्स मेरे हिस्से में आए, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है मैं वो कराऊँगा इंशाल्लाह। दूसरा जी सर, जूलॉजी का टेस्ट हो चुका है, 22 मई को था आई थिंक, ऐसे ही था 22 या 23 को था, तो टेस्ट हो चुका है वो। तो टेस्ट हो चुका है तो मैं ये पूछ रहा था कि उनको आप बॉटनी भी पढ़ाएंगे ग्रुप में? जी सर, अभी हमने जूलॉजी का पोर्शन पहले स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर हैं वो बॉटनी वाले हैं, बॉटनी उन्होंने की हुई है, तो हम उनको साथ लेकर चल रहे हैं। हाँ अलबत्त कुछ न्यू मेंबर जूलॉजी के भी आए हैं, उनके लिए इशू हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस ही कवर होगा। बॉटनी का जो अगर जूलॉजी वाले करना चाह रहे हैं वो हमारा सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, हमारे चैनल पर मौजूद हैं, हमने रिकॉर्ड की हुई हैं, वो उनसे साथ साथ कर लें। जब हम ये जूलॉजी का पोर्शन कर रहे हैं और जो जूलॉजी के मेंबर हमें ज्वाइन किया हुआ है वो तब तक बॉटनी का पोर्शन कवर कर लें, क्लासेस मौजूद हैं, सारी वही चीज़ें हैं, अब दोबारा भी कराएंगे तो वही चीज़ें होंगी। तो बाकी हमारा जो सीक्वेंस होगा, पहले प्योर जूलॉजी करेंगे, प्योर जूलॉजी के बाद देन वही कॉमन्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, ये चीज़ें कवर करके उसके बाद फिर बॉटनी की तरफ हम मूव करेंगे। तो कितने मेंबर जो होंगे उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं टोटल? सर माइक्रोसॉफ्ट टीम का फ़ायदा ये है, हमारे पास जो है वो पेड अकाउंट मौजूद हैं मेरे पास एटलीस्ट, और हमारे पास कुछ और भी मेंबर्स हैं जिनके पेड अकाउंट हैं, हमारे पास मेंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ अलबत्त व्हाट्सएप ग्रुप में लिमिटेशन होती है, अगर वो उसके मैक्सिमम मेंबर होते तो हम उनको भी कर देते, और मज़े की बात यह है कि हमारा ग्रुप जो है वो फुल हो चुका है, 257 मेंबर्स हो चुके हैं पूरे। अब मुझे तो नहीं लगता कि अब दूसरा ग्रुप बनाने की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ ही फोकस रहे तो अच्छा है। लास्ट टाइम भी हमने दूसरा ग्रुप बनाया था लेकिन उधर ज़्यादा टाइम नहीं दे सके थे, लेकिन आप लोग कहेंगे तो दूसरा ग्रुप भी बना देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने कहा कि आज जिन लोगों ने बॉटनी का सेशन कवर किया हुआ है वो लोग अपने व्यूज ऑनेस्टली बताएं, तो मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी कि माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत 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 अच्छी हम लोगों को तैयारी करवाई, और मेरे ख्याल से इतनी अच्छी बॉटनी हमें पहले नहीं थी आती जितनी आप सब ने हमें सिखाई है, और आप सबका बहुत शुक्रिया, स्पेशली सर जायगम साहब का, सर बाबर साहब का, सर अफाक साहब, सर अमीर साहब और सर अहमद रजाक साहब, सबका बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि आप सब ने हमें इतनी अच्छी तैयारी करवाई और हमें इतना कुछ सीखने को मिला यहाँ से, और उम्मीद है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह ये बायोलॉजी की तैयारी भी आप बहुत अच्छी हमें करवाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका और बहुत सारी नेक दुआएं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत जी बहुत शुक्रिया। अभी हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों के वक्त को बेहतर से बेहतर यूटिलाइज किया जा सके, जितना अच्छा हो सके अपनी तरफ से उतनी अच्छी एफर्ट करें। तो जी और कोई क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो फिर क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं।
हैंड रेज किया हुआ है इरशा खान ने और समीन फातिमा ने, आप बोल सकते हैं। इरशा खान जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ये सेशन जो आप लोगों ने स्टार्ट किया है तो ये कितने दिनों में कवर हो जाएगा? देखें, यहाँ पर एक बात ये भी हम देख रहे हैं पीपीएससी के टेस्ट के हवाले से जो अनसर्टेनिटी है कि कब होगा। अभी रिसेंटली एक स्केड्यूल आया हुआ था कि जिनकी क्लोजिंग डेट लेक्चर बायो के पेपर के साथ थी, उनका एक और पेपर है उसकी डेट आई हुई है। तो कुछ लोग ये कह रहे थे, फिर इस हिसाब से जो है ना वो 18 को आ रहा है या 22 को आ रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पेपर होगा ये जुलाई में होगा। उस हिसाब से हमारा ये सेशन इंशाल्लाह विद इन वन मंथ से पहले ही हो जाएगा इंशाल्लाह। 20 डेज के अंदर हम ये सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। उसमें ये होगा, हमने पूरी एक क्लास में जो मैक्सिमम हो सकता है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आपने तैयारी करनी होती है, फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो बहरहाल हमारी कोशिश पूरी यही होगी कि जल्द से जल्द जो है ये सिलेबस कवर हो जाए, लेकिन इतना भी जल्द ना कि एक दिन में ज़रूरत से ज़्यादा हम कवर करा लें जो कि पल्ले ही ना पड़े। तो बहरहाल इसको ऑप्टिमम तरीके से लेकर आगे चलेंगे। तो कोई शेड्यूल है वो शेयर किया जाएगा डेज के अकॉर्डिंग? जी, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा अभी क्लास के बाद जो है ना, वो इस पर हम आपको पूरा स्केड्यूल भी बता देंगे। इन्वर्टिब्रेट्स का पूरा स्केड्यूल पहले दे देंगे इस तरह से वो हम चलेंगे, फिर उसका टेस्ट का स्केड्यूल भी मौजूद होगा। ओके, सो हमारा जो टेस्ट वन डे टेस्ट एंड वन डे लेक्चर इस तरह से होगा कि आज जैसे आज क्लास है, जैसे आज हमारी क्लास हो रही है, तो उसके नेक्स्ट डे जो है वो टेस्ट होगा। तो टेस्ट हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये आप लोगों से सजेशन ले लेंगे अभी ग्रुप में कि टेस्ट जो है वो डे टाइम में रख लिया जाए और शाम को फिर क्लास हो, फिर अगले दिन डे टाइम में टेस्ट हो जाए। टेस्ट अलबत्ता यूँ होगा कि जब एक दफ़ा टेस्ट ऑनलाइन आ गया है तो वो टेस्ट मौजूद रहेगा, जो मैंने आपको लिंक बता दिया था ilmqada.com/test, वहाँ पर वो टेस्ट जो एक दफ़ा ऑनलाइन हो जाएगा वो उधर मौजूद होगा, वो आप बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी सर, मैं प्री सेशन के बारे में बताने लगी थी मैडम ने अभी बताया कि ये सारा जो है सर जाएगा मबास और आप सर बाबर जो या और भी जो बाकी लोग हैं, वाकई इन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है और वाकई जितनी बॉडी पहले हमें कोई नहीं थी आती, अब बहुत अच्छी आई है। और दूसरा ये कि जो मजीद ऐड हो रहे हैं जैसे सर राशिद रशीद और सर मौजम, वाकई ये अपने सब्जेक्ट के दोनों एक्सपर्ट्स हैं, तो जो नए आने वाले लोग हैं उनको ये मैं कहना चाहूंगी कि जरूर इसको ज्वाइन करें और इसको ना रेगुलर बेस पे लेना चाहिए, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी रहेगी इंशाल्लाह। ओके जी, आप लोगों के वक्त का बहुत शुक्रिया। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं।